नमस्ते बालाजी हिंदी प्यारों में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग सिंगल्स हैं, जो खुद को सिंगल मानते हैं, आप किसी भी तरीके से अगर खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। कहीं आप कभी रिश्ते में थे, अभी नहीं हो, कभी भी कोई रिश्ते में नहीं थे, रिश्ते में रहकर भी कुछ लोग खुद को सिंगल मानते हैं, आप पर डिपेंड करता है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। और ये जो रीडिंग है ये होगी 14 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक की होगी। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखिए, हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखे, बाकी को छोड़ दे। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम देखेंगे आपकी खुद की करंट एनर्जी, फिर देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, फिर देखेंगे क्या पास्ट से कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, अगर कोई आ रहा है तो उसका नेचर कैसा होगा, और कोई नया अगर एंट्री ले रहा है तो उसकी नेचर कैसी होगी। साथ में लेंगे एंजल की गाइडेंस। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि के, जो भी लोग खुद को सिंगल मानते हैं, सिंगल्स के लिए आपकी खुद की करंट पास्ट की एनर्जी कैसी थी। देख लेते हैं लियो आपकी पास्ट की एनर्जी। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है पास्ट में आप हर चीज को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे थे, बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहे थे, इक्वल गिव एंड टेक देना, बैलेंस करना। अगर आपके पास कोई और रिश्ता भी था, अभी आप सिंगल हो, अगर आपके पास कोई और रिश्ता था तो आप हर रिश्ते को, हर चीज़ को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे थे, हर किसी को इक्वल गिव एंड टेक देना पाना, इस सोच के साथ अब आगे बढ़ रहे थे। अभी हम देखेंगे प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। लियो यानी सिंह राशि, हम देखेंगे प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। लियो यानी सिंह राशि, हम देखेंगे प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। देखेंगे लियो प्रेजेंट में आपकी एनर्जी, द हायरोफंट का एनर्जी है। प्रेजेंट में आप जो हो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल तरीके से खुद को स्पिरिट के साथ कनेक्ट कर रहे हो, आप बड़ों की बात सुनकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी अपने लिए स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, कुछ लोग शादी के बारे में सोच रहा है, कुछ लोग स्पिरिचुअल कॉलिंग को महसूस कर रहे हैं, तो इस तरीके का सोच आपके दिमाग में है। खास करके बहुत ज़्यादा लोग हैं कि बहुत ज़्यादा बैलेंस की एनर्जी में वो चले गए थे पहले, और धीरे धीरे उस चीज़ को ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की तरह समझ रहे हैं, और उनको ये लग रहा है कि अभी जो वक्त है, इस वक्त में खुद को स्पिरिट के साथ कनेक्ट करना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए, यूनिवर्स के साथ खुद को कनेक्ट करके हर चीज़ को यूनिवर्स की मर्जी मान के आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोग शादी के बारे में सोच रहा है कि शादी कर ले, परिवार बना ले, ये सब बातें कुछ लोग सोच रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि पास्ट से क्या इन दिनों कोई आपके लाइफ में आ सकता है, पास्ट से क्या इन दिनों कोई आपके लाइफ में आ सकता है। देखेंगे क्या पास्ट से इन दिनों कोई आपके लाइफ में आ सकता है। हाँ, पास्ट से किसी की आने की तो चांसेस है। क्वीन ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। जो भी बंदा या बंदी पास्ट में आपके लाइफ में थी या था, जो भी था, ये पर्सन बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचने वाला बंदा या बंदी होगी, हर चीज़ को एक अलग तरीके से देखता था, स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा या बंदी होगी, हमेशा अपने सोच को रखने वाला, बेकार की चीज़, बेकार की बातें, बेकार की लोगों को अपनी लाइफ से दूर रखने वाला कोई पर्सन, जो हमेशा अपने बारे में सोचता रहता है, अपनी स्टेबिलिटी को एनहेंस करने के बारे में सोचता रहता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, किसी की बुराई नहीं करता है, ना ही बुराई सोचता था, लेकिन जो भी बोलता था मुंह पर जवान पर बोलता था, सच्चे थे, बहुत सच्चे इंसान था, जिसकी जुबान कड़वी थी लेकिन दिल की सच्ची थी या सच्चा था, वही कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में इन दिनों आ सकता है।
दिमाग की तेज, जुबान की तेज, लेकिन दिल की बहुत अच्छी कोई बंदा या बंदी आपके लाइफ में अगर था तो हाँ डेफिनेटली वो आ सकता है। देख लेते हैं क्या नया किसी के आने की चांसेस है, जो लोग नए को मैनिफेस्ट कर रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अभी हम देखेंगे क्या नया कोई आपके लाइफ में आ सकता है। लियो यानी सिंह राशि, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नो नया कोई नहीं आ रहा है। वैसे भी लियोज जो होते हैं ना वो पुराने चीजों में बहुत ज्यादा अटके हुए रहते हैं। पुराने रिश्ते को छोड़ पाएंगे तभी ना नए में जाएंगे, और जब आप जब तक आप पुराने रिश्ते को नहीं छोड़ पाओगे, पुरानी चीजों से खुद को बाहर नहीं ला पाओगे, तब तक नया कोई एंट्री कैसे लेगा आपकी लाइफ में। तो डेफिनेटली नहीं, नया कोई नहीं आ रहा है आपकी लाइफ में। जो भी होगा पुराने रिश्ते वापस आ रहे हैं, और अगर आप शादीशुदा भी थे तो वही शादी का रिश्ता भी आपके पास वापस आ सकता है, या शादी में नहीं थे किसी के साथ रिलेशनशिप में थे रिश्ते में थे तो वो पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। अभी हम देखेंगे एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है, एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल आपसे ये कह रहा है कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, किसी के बारे में कुछ डिसीजन लेके आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ सोच रहे हो कि ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी किसी भी क्षेत्र में अगर आपका ऐसा सोच है, खास करके क्योंकि ये रिलेशनशिप का रीडिंग हो रहा है सिंगल्स के लिए, तो पहले आपको उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से कोई भी जानकारी होनी चाहिए, फिर जाके आपको डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको पूरी तरीके से उस बात की जानकारी होनी चाहिए, फिर जाके आपको उसका कोई निर्णय लेना चाहिए, ऐसा एंजल आपसे कह रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।